ये भटूरे। गैस को ऑन करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखी है कढ़ाई और इसमें ऑयल डाला है और बनाएंगे गर्मा गर्म भटूरे। भटूरे के लिए गैस ऑयल गर्म हो रहा है और भटूरे जो हैं मैं बेलूंगी और मैंने लिया है चका बेलन और इस तरीके से जो डो तैयार किया था तो इस तरीके से लोई आलू के आकार के डोई ले लेंगे इस तरीके से। और इसमें सूखा मैदा, मैदा अगर ना हो तो आप आटा भी ले सकते हैं गैस। तो मैंने आटा ले लिया है, मैदा से इस तरीके से गीला कर लिया है, अब इसको बेल लेंगे। तो आप जो भी शेप देना चाहें उस तरीके से आप बेल सकते हैं और भटूरा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा गोल। तो गैस इसको सूखा आटा फिर लगा लेंगे और इसको गोल बेल लेंगे, चाहे तो गोल बेलें चाहे तो लंबा आकार में बेलें, इस तरीके से भटूरे को बेल लेंगे। तो इसमें रवा गैस इस तरीके से फूलने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय देना होगा। तो 1 घंटा तो हो चुका है, इसको मैंने अच्छे से तैयार किया है, डो भी तैयार हो गया, अब इसको मैंने बेल लिया है। अब बेलने के बाद चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ऑयल गर्म हो गया है और नए गैस के चूल्हे पर मैं बना रही हूँ। और गैस आपको मेरा गैस का चूल्हा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भटूरा उठाएंगे और इस तरीके से डाल देंगे, अब इसको बीच से दबाएंगे। बीच से दबाने से क्या रहता है कि ये अच्छे से फूलता है, तो इसको दबाते हैं, दबाने की क्वांटिटी इस तरीके से दबाते रहना है। अब इसको पलट देंगे और इसको सेकेंगे, इसी तरीके से दूसरा भी बेल लेंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि भटूरा बनके तैयार हो गया है, गर्मा गर्म भटूरा फूला हुआ। और ये गाइस मैंने दूसरा बेल लिया है, दूसरा भी इस तरीके से डाल देंगे। और जब ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि भटूरा कैसे किस तरीके से खिंचता है, खिंचता हुआ भी भटूरा मैं दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं कि बॉल की तरीके फूल गया है और इसको पलट देंगे देर ना करते हुए, तो आप देख सकते हैं गैस क्या वाओ क्या भटूरा बना है और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगता है खाने में गैस। और इसको घुमाते हुए सेकेंगे, अब ये सीख चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। तो गैस आप लोगों ने कहा है कि वो भटूरे को खींचते हुए दिखाइएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं बाजार की तरीके खींचते हुए दिखाऊंगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा और खाइएगा गर्मा गर्म भटूरे। ये गया गैस भटूरा कढ़ाई के अंदर और इसको बीच में इस तरीके से दबा देंगे और दबाने के बाद इस तरीके से फूल जाता है। इस तरीके से गैस आप देख सकते हैं जब डालेंगे और इसके बाद चलाएंगे, चलाने के बाद इसको इस तरीके से पलट देंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि भटूरा इस तरीके से बॉल जैसा फूलता है। तो गैस आप मिस नहीं कीजिएगा और भटूरा जरूर बनाइएगा और भटूरे में रवा का उपयोग जरूर कीजिएगा। और चावल के लिए अगर आपको 1 कटोरा मैदा लेनी है तो उसमें आप 1 कप रवा का यूज कीजिए और दही से ही या मट्ठे से ही मैदे को कूदिएगा और पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। गैस मैंने इसमें मट्ठे का इस्तेमाल किया है और दही डाला है और ऑयल नहीं डालनी है और ना ही नमक डालना है। और इस तरीके से गर्मा गर्म भटूरे आप बनाइएगा और खाइएगा, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लगता है, भटूरा कितना फूला हुआ है, दोनों तरफ से बराबर से सिका हुआ है। इसी तरीके से गैस भटूरे बना लेंगे, अब चलिए जल्दी से सर्व कर लेते हैं। तो गैस आप देख सकते हैं कि नए गैस के चूल्हे पर मैंने बनाई है गर्मा गर्म छोले भटूरे। तो गैस आपको मेरी ये गैस का चूल्हा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइज न्यू गैस के चूल्हे पर आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया है गर्मा गर्म छोला भटूरा और पुलाव। पुलाव में गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। बच्चों को अगर पसंद हो तो ज़्यादा क्वांटिटी आप डाल सकते हैं काली मिर्च। गाइज ये बन गया है जो आप देख सकते हैं कि चटपटा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि मैं छोला किस तरीके से बनाती हूँ गाइज। तो ये चटपटा मसालेदार छोला बन के तैयार हो गया है और मैंने सर्व कर लिया है। और मैंने रखी है हरी मिर्च, नींबू कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज जो छल्लेदार इस तरीके से काटना है गोल, और ये रहा पुलाव और ये रहा भटूरा। तो गाइज इस तरीके से भटूरा बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से बराबर सिका है और ये फूला भी है और ये तो क्योंकि ये ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी सॉफ्टनेस कितनी अच्छी है और ये इस तरीके से बन गया है भटूरा। तो ये सॉफ्ट इस दबा देंगे तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और ये बाजार जैसा भटूरा। गाइस आप लोगों ने कमेंट किया था कि खींचता हुआ भटूरा हमको चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि खींचता हुआ किस तरीके से खींचता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खींच रहा है ये, तो ये खींचता हुआ भटूरा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी खिंचाव, देखिएगा गाइस ये इस तरीके से खींच रहा है बाजार।
भटूरा जैसा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बाजार के तरीके खिंचता हुआ भटूरा। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। छोला भटूरा बच्चों की पसंद है और बड़े भी खाते हैं गाइस। बड़े क्यों नहीं खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे, सभी लोग खाएंगे, माताएं बहनें सभी लोग खाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आप बनाइएगा छोला भटूरा और आप बताइएगा मेरी ये छोले भटूरे की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या कम्युनिटी ऑप्शन में भी मेरा एक नया चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ और उसमें भी कमेंट कीजिएगा और इस तरीके से खाइएगा छोला और भटूरा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खाइएगा चटपटा मसालेदार छोला भटूरा और पुलाव।